एक विशेषण की तलाश थी, कई एक उपमान आ गए। कविता के लोग हैं समझिएगा, एक विशेषण की तलाश थी, कई एक उपमान आ गए, मुझको ऐसा लगा कि जैसे मेरे घर भगवान आ गए। मुझको ऐसा लगा कि जैसे मेरे घर भगवान आ गए। ये कार्यक्रम सर के कारण हम लोगों ने रखा है, उनका सारस्वत नागरी सम्मान मध्य प्रदेश के द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक कवि प्रदीप संस्कृत विभाग की तरफ से उनको दिया गया। कवि प्रदीप ने सारे जीवन राष्ट्रीयता को अपनी कंठ में धारण करके जन जन तक पहुंचाने का काम किया। ऐ मेरे वतन के लोगों जैसे गीत उनके अमर गीत रहे, इसके कारण लता जी को लता जी के रूप में हम ऐसे पाए। बड़े व्यक्तित्व का सम्मान औरखाबाद के एक व्यक्ति को मिला है, जिसने पहले ही हम लोगों के गौरव को बहुत ऊपर तक पहुंचाया है। ऐसे गुरुवर डॉक्टर शिव अंबर जी को मैं प्रणाम निवेदित करता हूं। गुरु जी ने लिखा, या बच्चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। या बच्चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। जिस दिन भी हिचकिचाएंगे लिखने में हकीकत, कागज को फाड़ देंगे कलम तोड़ देंगे, कागज को फाड़ देंगे कलम तोड़ देंगे हम। पुरस्कार पा लिया होता, हर पुरस्कार पा लिया होता, घर जरा सर झुका लिया होता। एक समय ऐसी बात लिखी, और फिर बहुत समय तक यह भी कहा जाता रहा कि मंच के कवि होने के कारण उन्होंने कविता को भुनाया है। तो उन्होंने इसके प्रत्युत्तर में एक कविता लिखी, वो कविता सुनिए और फिर मैं उस बात से जोड़कर कार्यक्रम का शुभारंभ करूं। उन्होंने लिखा, जी हां, मैंने बेचा है अपनी प्रतिभा के नीलम को, गली गली में भोजपत्र को, नगरी नगरी में सरगम को। जी हां, मैंने बेचा है अपनी प्रतिभा के नीलम को, गली गली में भोजपत्र को, नगरी नगरी में सरगम को। लेकिन ये भी सच है, मैंने सत्यम शिवम नहीं बेचा है, कवि की कलम नहीं बेची है अपना अहम। जी हां, मैंने बेचा है अपनी प्रतिभा के नीलम को, गली गली में भोजपत्र को, नगरी नगरी में सरगम को। लेकिन ये भी सच है, मैंने सत्यम शिवम नहीं बेचा है, कवि की कलम नहीं बेची है अपना अहम नहीं बेचा है। तो सत्ता की आरती नहीं, जनता के सुख दुख का हिस्सा हूं मैं, विप्लव से अंगारों की आत्मकथाओं का हिस्सा हूं। ये दर्द समय का है जो मेरे स्वर से खुद को गजलों में गीतों में गाता है, और पद के ऊपर जब तक कांटे न बिछे हूं मुझको चलने में मजा नहीं आता है। पद के ऊपर जब तक कांटे न बिछे हूं मुझको चलने में मजा नहीं आता है। आज ये जो सम्मान मिला, ऐसे तो गुरुवर को एक सम्मान दिया जा चुका है, साहित्य भूषण सम्मान, और कलकत्ते में सम्मान दिए जाते रहे हैं, उनकी साधना को सम्मान करने का सिलसिला ये आगे आगे चलता रहे। बस एक बात कहकर फिर मैं कार्यक्रम को शुरुआत करता हूं। ये जो पुरस्कार मिला है, इस पुरस्कार के पीछे हम लोगों की जो भावना है उसको मैं काव्यात्मक ढंग से उनके चरणों में अर्पित करता हूं। बहुत कुछ था, एक शब्द इसमें आएगा मकबूल, बहुत प्यारा उसका अर्थ ये। अब ये समय सुनिएगा सर, देखिएगा। बहुत कुछ साथ ले आया, बहुत कुछ भूल भी आया। बहुत कुछ साथ ले आया, बहुत कुछ भूल भी आया, पता जब ये चला कि आज यहां मकबूल भी आया। वाह। पता जब ये चला कि आज यहां मकबूल भी आया। सुशीतल छांव थी, देखिएगा भैया गुरु जी को जी। सुशीतल छांव थी, यूं तो हरा था पेड़ ये, लेकिन तसल्ली तब हुई जब डाल पे फूल भी आया। तसल्ली तब हुई जब डाल पे फूल भी आया। तो आज उस डाल पर फूल आया हुआ है, ये सारस्वत नागरी सम्मान उसी को करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। मैं कृष्ण बिहारी नूर की पंक्तियां आपको सुनाता हूं, और वही प्रीति दीदी की वाणी वंदना को बुलाने के लिए सार्थक भी होंगी, और अभी जो माल्यार्पण हुआ वो भी इस बात से जुड़ जाएगा। हे हंस वाहिनी, मुझे वरदान चाहिए, मां दुर्गा आए सामने वो ध्यान चाहिए। हंस वाहिनी से प्रार्थना करेंगे।
हे हंस वाहिनी मुझे वरदान चाहिए, माँ दुर्गा आए सामने वो ध्यान चाहिए, वाणी को शब्द, शब्द को अर्थ, अर्थ को सुगंध। वाणी को शब्द, शब्द को अर्थ, अर्थ को सुगंध, कुछ चाहिए सभी को मुझे ज्ञान चाहिए, कुछ चाहिए सभी को मुझे ज्ञान चाहिए। आए प्रति तुम्हारी दीदी और वाणी वंदना करके हमें आदेशित करें कि अब कार्यक्रम को शुरू किया जाए। हस्ताक्षर की वर्तनी जरा गड़बड़ पड़ गई है, उसे सुधार दो, मैं भीतर भीतर समझ जाऊं और बाहर से समझ जाऊं। बड़ा संकेतात्मक संदेश दिया है, मैं उनको प्रणाम निवेदित करता हूं। कार्यक्रम आप सबके कारण पूरा हो पा रहा है, मैं इसके लिए अपने को सौभाग्यशाली मान रहा हूं। एक बार कहने पर राजन अंकल, त्रिपाठी अंकल, सब महत्वपूर्ण लोगों ने हाँक भर दी और मैं आपके संदर्भ में क्या कहूँ। डॉक्टर कुंवर बेचैन की पंक्तियां मुझे स्मरण हो आ रही हैं बार बार, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा जो साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है।
पूरी धरा जो साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। यहाँ दूसरी बात, दूसरा पांव नहीं है, आप मुझे गोद में उठाए उठाए लिए चले आ रहे हैं। तो वो गोस्वामी जी की पंक्ति बड़े स्नेह लगुन पर कर रही। बड़े लोगों का तो सहज स्वभाव होता है छोटों पर स्नेह करने का, सो आप मेरे ऊपर ऐसा ही स्नेह कर रहे हैं। बड़े स्नेह लगुन पर करहीं, गिरी निजी शीस सदा तृण धरहीं। जैसे पर्वत तिनके को अपने शीश पर रख के उसे बड़ा कर देता है, वैसे आप सब लोग मुझे गोद में उठाकर मुझे अपने से बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आप सबको बार बार प्रणाम निवेदित करते हुए कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं हो रहा हूं, बार तालियां तो बजी गई। जिसको आज सीडीओ साहब ने साकार कर दिया, वो उसकी पंक्तियां सुनाता हूं मैं, पूरी बात आपकी गति की आप तक पहुंच जाएगी। सर ने लिखा, आओ बैठो पास कि बतियाने का मन है, आओ बैठो पास कि बतियाने का मन है। अलमारी में रखे हुए एल्बम ले आओ, तस्वीरों में गुजरा हुआ जमाना जीने। आंटी जी से कह रहे हैं, आओ बैठो पास की बतियाने का मन है, अलमारी में रखे हुए एल्बम ले आओ, तस्वीरों में गुजरा हुआ जमाना जी ले। कैसेट जरा लगा दो तुम जगजीत सिंह का, करने मौसम में दो भूत शहद के पीले। कैसेट जरा लगा दो तुम जगजीत सिंह का, करवे मौसम में दो घूट शहद के पीले। फिर खुद को खोने खुद को पाने का मन है, आओ बैठो पास तो बतियाने का मन है। आज आंटी जी उनके पास बैठी हुई हैं सम्मान ग्रहण करने के लिए। देश कीमत है वो और हमें हाथ में चार आने मिले, देश कीमत है वो और हमें हाथ में चार आने मिले। मित्रगण क्या मिले राह में, स्वस्तिप्रद शामियाने मिले। मित्रगण क्या मिले राह में, स्वस्तिप्रद शामियाने मिले। तो ऐसी उन्हें हिम्मत मिली इन लोगों के आने के कारण। तो मैं चाहता हूं ये लोग एक एक माला पहनाकर उनको उनको महसूस कराएं कि वो उनके कितने करीब हैं। आलोक अंकल आए, तो मुझे मुनव्वर राणा की पंक्तियां याद आई, सुनिएगा। आप तुम लोगों को प्रणाम निवेदित करते हुए पाठक सर और राणा अंकल को, मेरे जख्मों पे इस चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, मेरे जख्मों पे इस चाहत से पट्टी कौन बांधेगा। अगर बहने नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा, मेरे जख्मों पे इस चाहत से पट्टी कौन बांधेगा। अगर बहने नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं। ये पानी अंकल, ये बुधवा, ये पाठक सर। तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं। अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा, अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। सुनानी है, कई बार हम लोगों ने सर की कविताएं उनसे सुनी है, आज वो अपनी कविता दूसरों के माध्यम से सुनेंगे। तो कल्याण कामना का पाठ यूं पढ़ा दिया, देखिए सर, कल्याण कामना का पाठ यूं पढ़ा दिया, तिरने से पहले दीप की लौ को बढ़ा दिया, और उससे पवित्र वस्तु ना हमको मिली तो फिर गंगा से जल लिया और उसी में चढ़ा दिया, गंगा से जल लिया और उसी में चढ़ा दिया। उनके संदर्भ में हम कुछ कविता कहते उसकी अपेक्षा उन्हीं की कविता में उन्हीं को समर्पित किए गए हैं। तो निमिष भैया को मैं आवाज देता हूँ और वो आए, यदि उन्होंने अपनी कविता निर्धारित कर रखी है वो आके यहाँ पर पाठ। फूल तो फूल है आंखों से घिरे रहते हैं, कांटे बेकार हिफाजत में लगे रहते हैं। देखना साथ ही छोटे न बुजुर्गों का कहीं, पत्ते पेड़ों पे लगे हो तो हरे रहते हैं, पत्ते पेड़ों पे लगे हो तो हरे रहते हैं। हम सब आपसे जुड़कर इस बड़े विशाल वृक्ष से ऊर्जा प्राप्त करते करते कुछ कहने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं। ये जो प्रोजेक्ट का काम है, ये जो कार्यक्रम की संकल्पना है, इस कार्य को पूरा करने में एक जैसे सेतु निर्माण का कार्य था, तो सेतु निर्माण के कार्य में अकेले एक दो लोगों ने काम नहीं किया,
बहुत सारे लोगों का काम था, कहा छोटी सी गिलहरी तक अपना अपनी देर से बालू लपेट कर उसमें अपने योगदान दे रहे थे। तो मैं इस कार्य में जिन लोगों ने बहुत बहुत कार्य किया है, आकाश भैया हुए हैं, सुधीर जी हुए हैं और शांतनु हुए हैं, मैं उनके लिए ये कहूं कि पथ पर जिस जिसका स्नेह मिला उसको सराहने को धन्यवाद, उसको सराहने को धन्यवाद। तो ध्यान रखिएगा इस कार्यक्रम में जो कुछ श्रेष्ठ हुआ है वो तो सब उनके जिम्मे, और जहां जहां गलती रह गई है वो तो मेरी अपनी है। आप तो इसको ताली बजा के जरा कह दीजिए। आरसी जब भी शरीफों को दिखाई है, आरसी जब भी शरीफों को दिखाई है, अक्षरों के वंशजों ने चोट खाई, चंद आंसू चंद आहे और चंद गजलें, चंद आंसू चंद आहे और चंद गजलें, ये हमारे जवाई कि ये गली है दृष्टिहीनों की यहां क्यों कर, ये गली है दृष्टिहीनों की यहां क्यों कर, आपने दुकान सुनने की लगाई है। तो अंतिम शेर देखिए कि लेखनी होगी तुम्हारी दृष्टि में मित्रों, लेखनी होगी तुम्हारी दृष्टि में मित्रों, हाथ में गंगा जली हमने उठाई है, हाथ में गंगा जली हमने उठाई है। मुश्किल से बालों पे सफेदी हम निपाली है, बड़ी मुश्किल से बालों पे सफेदी हम निपाली है, इसे पाने को आधी उम्र की कीमत चुकाई है, इसे पाने को आधी उम्र की कीमत चुकाई है, दुर्लभम तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा। एक तो मनुष्य जन्म मिलना ही कठिन है और फिर उसमें विद्या का प्राप्त होना उससे भी कठिन है, कभी तो उससे भी कठिन है और प्रतिभा का प्राप्त होना उससे भी ज्यादा कठिन है। प्रतिभा हर एक के अंदर नहीं प्राप्त होती है, प्रतिभा जो है वो कवित्व बीज रूप है, संस्कारों से प्राप्त होती है, जिसके बिना काव्य बनता ही नहीं है, और यदि बनता भी है तो वो उपहास के योग्य होता है। पुष्प की बिटप से एक अभिलाषा है, सुनिए बिटप प्रभु पुहप तिहारे हम, राखियो हमें तो शोभा रावरी बढ़ाए, ऐ वृक्ष मैं तुम्हारा पुष्प हूं, अगर तू मुझे अपने पास रखेगा तो तेरी शोभा बढ़ेगी, लेकिन वृक्ष पुष्प को गिरा देता है तो वो कहता है तजियो हर्ष तो बिरस है न चारों कछु, जहां जहां जय है तहां दूनी छवि पाई है, जहां जहां जाएंगे वहां हमको छवि मिलेगी, सम्मान मिलेगा। प्रबुद्ध वर्ग के लोग बैठे यहां सब बुद्धिमान है, आयु में प्रति होने से नहीं है, बड़े नहु जय गुण न बिनु बिरत बड़ाई पाए, और दहत
धतूरे सौ कनक गहलो बड़ो इसलिए चीज आपको हम लोगों को दिखानी है और दिखाएंगे आपको। देश के बहुत सारे रचनाकारों ने इस बात पर आपके लिए शुभकामना भेजी है, हम लोगों ने उसका प्रोजेक्शन किया हुआ है। सच कहते हैं अथवा चुप रहते हैं, हम लफ्जों को बर्बाद नहीं करते। शुरू में खा गया था दूसरा दुष्यंत। मेरे सामने माइक रखा हुआ है, मुलायम सिंह जी के सामने रखा हुआ है माइक। मुलायम सिंह जी ने कहा कि संजालिक महोदय आप अपनी कविता पढ़ दीजिए। तो मैंने कहा कि सर तो मैं आपके सामने कविता नहीं पढ़ूंगा। जितना बड़ा अध्यापक मुझे नहीं दिखाई पड़ता इस युग में दूसरा कोई। चोरी की कविता पढ़ते हैं अंबर जी। आपने 50 रुपए चुरा लिए। मैं किस किस को सफाई दूं? कैसे कहूं कि मैं दोषी नहीं? उसके पास ये रात रात भर सो रहे थे, रोते थे और सोते से उठकर के भागते थे। पहले भी बहुत व्यवस्थित कभी नहीं था, पर अब तो बेहद अस्त व्यस्त रहता हूँ। इन दिनों बहुत अवसाद व्यस्त रहता हूँ। जो किसी का बुरा नहीं होता, शख्स ऐसा जो किसी का बुरा नहीं होता, जो किसी का। नमस्कार, मैं डॉक्टर कीर्ति काले आप सभी को प्रणाम करती हूँ और बड़े भाई आदरणीय श्री शिव ओम अंबर जी को मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के द्वारा कवि प्रदीप सम्मान 2,00,000 रुपए की राशि का कवि प्रदीप सम्मान प्रदान किया गया है। इस उपलक्ष में मैं मन प्राण से उन्हें हार्दिक बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ, प्रणाम करती हूँ और मध्य प्रदेश शासन को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बहुत ही सही व्यक्ति का चयन इस सम्मान के लिए किया है। इस सम्मान को ग्रहण करके स्वयं सम्मान सम्मानित हुआ है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि डॉक्टर शिव ओम अंबर जी का व्यक्तित्व एक संत व्यक्तित्व है। कवि व्यक्तित्व तो है ही, लेकिन कवि कवि के होने के साथ साथ में एक संत व्यक्तित्व है। जैसा उनका लेखन है वैसा ही उनका व्यवहार है, वैसी ही उनकी वाणी है, ऐसा बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। प्रचुर मात्रा में उन्होंने लेखन कार्य किया है, संचालक के रूप में मंच पर सदैव एक मर्यादा का पालन स्वयं भी किया है और कवियों से भी करवाया है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करती हूँ और निरंतर वो इसी तरह से लेखन में रत रहें, प्रसन्न रहें, ईश्वर की कृपा बनी रहे, यही मैं शुभकामनाएं देती हूं और प्रणाम करती हूं। नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर विष्णु सक्सेना, हमारे आदरे, हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे बड़े भाई डॉक्टर शिव अंबर को मध्य प्रदेश सरकार ने पंडित प्रदीप सम्मान से उन्हें नवाजा है। हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार तो उन्हें कई बार सम्मानित कर चुकी है, पुरस्कृत कर चुकी है, लेकिन जब दूसरे प्रदेश की सरकार सम्मानित करती है तो उसका महत्व और बढ़ जाता है। इस अवसर पर मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इसी तरह से हम गीतकारों का, हमारे कवि कुनबे का नाम रोशन करते रहे वो, और हमें इसी प्रकार से आशीर्वाद देते रहे। प्रभु उनको शतायु करे, स्वस्थ रखे, इसी कामना के साथ मैं उन्हें पुनः बधाई देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर शिवम अंबर जिन्हें हम बड़े प्यार से दादा कहते हैं, एक ऐसा नाम जिन्होंने अपने नाम को सार्थक किया है, उनमें मुझे शिवत्व के भी दर्शन होते हैं, उमत्व के भी दर्शन होते हैं और आकाशीय विशालता के भी दर्शन होते हैं।
वो एक संस्कारशाला है। हिंदी कविता के मंचों को संस्कारवान बनाने का श्रेय जितना शिवम अंबर जी को जाता है इतना किसी और को नहीं। आदरणीय, जब मुझे ये पता चला कि आपको मध्य प्रदेश शासन का प्रदीप सम्मान वर्ष 2020 का प्राप्त हो रहा है तो मुझे लगा कि सरकार ने यह बहुत अच्छा काम किया है और यह सम्मान देकर के सरकार अपने आप को सम्मानित महसूस कर रही है। अभी 25 जनवरी को ही उन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई आदरणीय दादा शिवम अंबर जी के साथ हैं और फर्रुखाबाद की सुगंध को उन्होंने पूरे देश में और सिर्फ देश ही नहीं वरन विश्व में फैलाने का काम किया है। आज फर्रुखाबाद की जब चर्चा होती है तो महादेवी जी की चर्चा के साथ ही कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं होता जो शिवम अंबर जी की चर्चा ना करे। वो प्रणम हस्ताक्षर है हिंदी कविता और हम सबको उनके ऊपर नाज है, गर्व है, गुमान है कि वो हम सबके अग्रज हैं और नई पीढ़ी को प्रोत्साहित करने वाले एक विराट कविता के विराट व्यक्तित्व। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। वक्त की धड़कनों को गाएंगे, दिल के जख्मों को गुनगुनाएंगे, दस्तखत हैं नई सुबह के हम, हर तरफ रोशनी लुटाएंगे। इन पंक्तियों के रचनाकार तथा हिंदी काव्य मंच को अपनी प्रभावी उपस्थिति से समृद्ध करने वाले एवं स्तरीय बनाने वाले डॉक्टर शिव ओम अंबर को कवि प्रदीप सम्मान की हार्दिक बधाइयां। मैं बृहत्तर कोलकाता के साहित्य प्रेमी समाज की ओर से उनके प्रति बधाइयां अर्पित करते हुए हार्दिक आनंद का अनुभव कर रहा हूं। एक गीत गजलकार के रूप में अंबर जी प्रतिष्ठित तो है ही, मंच संचालक के रूप में भी उनकी अपार ख्याति है। वे सम्मोहक वक्ता भी हैं और सुललित गद्य लेखक भी। अपने हर रूप में वे अप्रतिम हैं। वाग देवी माँ सरस्वती की उन पर अपार कृपा है। कह सकते हैं कि देवी ने उन पर केवल कृपा ही नहीं की है, कृपा वृष्टि की है। आज इस आनंद के मौके पर मैं उनके शतायु होने की कामना करता हूं तथा प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि वे स्वस्थ सक्रिय सर्जनारत रहते हुए हिंदी साहित्य के भंडार को समृद्ध करें। एक बार फिर बहुत बहुत बधाइयां। अग्रज शिव ओम अंबर को कवि प्रदीप के नाम का सम्मान मिलना बहुत अभिभूत करने वाला है। जिस राष्ट्रीय चेतना को प्रदीप जी ने अपने जीवन में चरितार्थ किया था, अंबर जी ने भी रचनारंभ काल से ही उस चेतना को दिए की तरह सहेज के रखा हुआ है। मेरा पहला परिचय शिव अंबर जी से पिताजी के एक लेख के माध्यम से हुआ था। पिताजी ने धर्मयुग में एक लेख लिखा था जिसमें उनके दो शेर लिखे थे। वो दो शेर थे, यह सियासत की गलियां नहीं कोयला खदाने हैं, यहाँ उजले अंगरखे पहने पहनाए नहीं जाते, या ये सियासत की तवायफ का दुपट्टा है, ये किसी के आंसुओं से तर नहीं होगा। उन्होंने हिंदी कविता की चेतना से हिंदी गजल को जिस तरह से जोड़ा है कि तत्सम शब्दावली भी बोलचाल की जबान बन गई उनके इस्तेमाल कर लेने मात्र से। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ इस अवसर पर उनका, और गजल को पूरी तरह से बरतने के साथ साथ गजल एक साफ सुथरी और भावना से भरी गजल लिखने के लिए आपको शीशे की तरह सहेज के चलना होता है सारी चीजें। शिव अंबर जी ने वो काम किया है अपने तई। मैं पिता उमाकांत मालवीय के शब्दों में कहना चाहता हूँ कि उन्हें राम की नहीं राम
और लगातार वो इसी तरह रचनारत रहे, क्योंकि मंच संचालन के संदर्भ में भी मुझे तो सौभाग्य दो चार बार मिला उनके संचालन में काव्य पाठ करने का। मुझे लगता है कि वो मंच पर भी सरस्वती साकार करते हैं। हिंदी में शिव मंगल सिंह सुमन, उमाकांत मालवी, बाल कवि बैरागी, कन्हैयालाल नंदन की परंपरा से जुड़ के और अपना एक अलग रास्ता बनाते हुए शिव मंगल जी ने कवि सम्मेलनों को भी एक ऊंचाई दी है। मैं बहुत व्यक्तिगत रूप से बहुत खुशी का अनुभव कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये हिंदी का सम्मान है, कविता का सम्मान है, हिंदी गजल का सम्मान है और हमारे बड़े भाई का सम्मान है। मुझे सुनकर बहुत ही हर्ष हुआ है कि मध्य प्रदेश शासन ने फरुखाबाद के लब्ध प्रतिष्ठित कवि साहित्यकार शिव अंबर जी को कवि प्रदीप पुरस्कार से सम्मानित किया है। कवि प्रदीप एक अंतर्राष्ट्रीय ख्यात प्राप्त कवि थे जिनका बहुत गीत मशहूर हुआ है, ए मेरे वतन के लोगों जरा हाथ में पकड़ो पानी। उनके नाम पर जो पुरस्कार मध्य प्रदेश शासन देता है उसके लिए शिव अंबर का चयन हुआ है, ये मेरे लिए गर्व की बात है। शिव अंबर मेरे बचपन के साथी हैं और प्रारंभ से लेकर अब तक विकास मैंने उनका देखा है। देश के सर्वमान्य कुशल संचालक, मंच के कुशल खिलाड़ी भाई शिव अंबर और गजलों की दुनिया में एक अपना नाम रखने वाले एक अप्रतिम कवि हैं। मुझे उन पर गर्व है। मैं उन्हें बधाई देता हूँ कि फरुखाबाद जनपद इससे गौरवान्वित हुआ है, मध्य प्रदेश शासन ने सही व्यक्ति को कवि प्रदीप पुरस्कार के लिए चुना। मेरी लाख लाख बधाइयाँ, धन्यवाद। सभी लोगों को मेरा प्रणाम। ये प्रदीप सम्मान मिला ज़रूर मेरे पिताजी को है, लेकिन गौरवान्वित मैं स्वयं को महसूस कर रहा हूँ और कहने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि हमेशा से ही जब जब पिताजी ने फरुखाबाद का नाम रोशन किया, परिवार का नाम रोशन किया, हम सब ने उसके अंदर अपने आप को गौरवान्वित हमेशा महसूस किया है। और इसलिए इस अवसर पर जब मैं कविता चुन रहा हूँ वो मुझे ऐसा लगता है कि वो पिताजी के साथ जो हम सबकी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं, चाहे वो चाचा जी हों, बी के ताऊ जी हों, सौरभ और स्पेशली उत्कर्ष जिसने ये पूरा प्रोग्राम किया है, उन सभी लोगों के साथ में जो हमारी एक छोटे शहर से आने वाले व्यक्ति की जो फीलिंग्स जुड़ी होती हैं, जब वो व्यक्ति कोई बड़ा काम करके आता है और उसे कोई सम्मान मिलता है, लेकिन वो उसका अकेले का नहीं होता, पूरा शहर उसके साथ अपना जुड़ाव महसूस करता है और खुद को गौरवान्वित महसूस करता है, तो वो फीलिंग्स मैं पिताजी की ही एक कविता के माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ कि धूल धक्कड़ हो, धुआं हो, धुंध हो, बेशक मगर, धूल धक्कड़ हो, धुआं हो, धुंध हो, बेशक मगर, मेरा अपना गांव फिर भी मेरा अपना गांव है, और कल्प वृक्षों के घने साए मुबारक हो तुम्हें, कल्प वृक्षों के घने साए मुबारक हो तुम्हें, मेरे सर पे मेरी माँ की ओढ़नी की छांव है। धन्यवाद। नाना जी, आपको इस सम्मान के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आज आपको आपके द्वारा रचित एक कविता सुनाने जा रही हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। तर्क को दिखे ही नहीं सृष्टि में कहीं भी प्रभु, मुग्ध भाव दृष्टि ने निहारे लक्ष लक्ष में, कहाँ राज किए भोग, कहाँ चंद जूठे वेद, दीन बंधु बैठ गए शबरी के पक्ष में, राजभवनों के कक्ष कक्ष में तलाशा गया, राजा रामचंद्र मिले मारुति के वक्ष में, राजा रामचंद्र मिले मारुति के वक्ष में। बाबा, आपको प्रदीप सम्मान की बहुत सारी शुभकामनाएं। इस अवसर पर मैं आपको आपकी ही एक कविता सुनाने जा रहा हूं जो मुझे बहुत प्रिय है। फाकों को भी मस्ती में जीते हैं, बस्ती बस्ती फरियाद नहीं करते, सुन लेते हैं तेजाबी टिप्पणियां, सह लेते हैं प्रतिवाद नहीं करते, सच कहते हैं अथवा चुप रहते हैं, हम लफ्जों को बर्बाद नहीं करते, हम लफ्जों को बर्बाद नहीं करते। नाना जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आज मैं आपको आपकी एक
कविता सुनाने जा रहा हूँ। इससे बढ़कर कोई पाठशाला नहीं, इससे ऊंचा कोई शिवाला नहीं। इसमें रहना है तो इसके होकर रहो। देश है कोई धर्मशाला नहीं, देश है कोई धर्मशाला नहीं। कोलाहल में पा लेते कविता की सरगम, रेगिस्तानों में नखलिस्तान खिलाते हैं। कोलाहल में पा लेते कविता की सरगम, रेगिस्तानों में नखलिस्तान खिलाते हैं। बस्ती बस्ती जोगी का फेरा बनकर हम, दर दर पे संवेदन की अलग जगाते हैं। आंकड़े गणित वाले रट पाए नहीं कभी, आंकड़े गणित वाले रट पाए नहीं कभी। आंखों में कितने ही सपने गढ़ रखे हैं, ग्रंथों का ज्यादा ज्ञान नहीं हमको, लेकिन ढाई आकर पक्के पक्के पढ़ रखे। कंठ मेरा है मगर ये स्वर तुम्हारे हैं, लेखनी मेरी सही अक्षर तुम्हारे हैं, लेखनी मेरी सही अक्षर तुम्हारे हैं। उड़ रहा हूँ गीत के आकाश में जिनसे, और सहज उत्साह धर्मी पर तुम्हारे हैं, और सहज उत्साह धर्मी पर तुम्हारे हैं। पहचान उनके नाम से नहीं, इतने बड़े बड़े कवि लोगों को उन्होंने इतनी सहजता से महादेवी स्मृति पीठ के कार्यक्रमों में यहाँ पर बुलाया और हमारे फर्रुखाबाद के नागरिकों के सम्मुख उन्होंने पेश किया, वो अपने में एक मिसाल है। और मैं समझता हूँ कि पूरा फर्रुखाबाद जनपद उनका इस बात का ऋणी है कि इतनी इतनी महान विभूतियां इतनी सरलता से फर्रुखाबाद जैसी छोटी पंक्तियां सुने। किसी मगरूर की दौलत के आगे, किसी मगरूर की दौलत के आगे झुकी खुद्दार की पेशानी नहीं है, पेशानी मींस ललाट। किसी मगरूर की दौलत के आगे झुकी खुद्दार की पेशानी नहीं है। चमन में हम बिना सींचे बढ़े हैं, ये कुकत है मेहरबानी नहीं है। बड़ा काम कैसे भैया ने पूछा मेरे मन में, बड़ा लक्ष्य हो बड़ी तपस्या बड़ा हृदय मृदु वाणी, किंतु अहम छोटा हो जिससे सहज मिले सहयोगी। कर्म हमारा कृपा राम की यह प्रवृत्ति कल्याणी, कर्म हमारा कृपा राम की यह प्रवृत्ति कल्याणी। तो ऐसी प्रवृत्तियों के लोग यहाँ पर रहते हैं, तो मेरा स्वाभाविक रूप से जैसा बोलना बनता ही है आप लोगों के माध्यम से। अब मुझे जिस व्यक्तित्व को बुलाना है वो सम्मान के अधिकारी थे, इसलिए हमने उनको सम्मानित किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने सम्मान दिया, हम सबके हृदय में सदैव उनके प्रति सम्मान की भावना है। उनको आप सब लोग उनसे बेहतर ढंग से बुला सकते हैं मैं जानता हूं, लेकिन मैं यही सबसे अच्छा ढंग है, आप लोग ताली बजा कर मैं बुलाइए। और मैं ये कहूं वचन वचन को हृदय से लगा के बैठ गए। हाँ हाँ जरूर, वचन वचन को हृदय से लगा के बैठ गए। कहा जो तुमने कितने बैठ जाइए आप सब लोग बैठ जाइए। वचन वचन को हृदय से लगा के बैठ गए, कहा जो तुमने तो सर को झुका के बैठ गए। तुम्हारे बारे में सोचा तो ये लगा हमको, इलाहाबाद में संगम वहां के बैठ गए, इलाहाबाद में संगम वहां के बैठ गए। आज के इस आयोजन के संयोजक महोदय अभी आ रहे होंगे, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है प्रिय उत्कर्ष के उत्साह ने, उसके विषय में कुछ कहूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं अपने गुरुजनों के चरण धूल को माथे से लगाता हूँ, श्रद्धे बाप साहब से लेकर के श्रद्धे ददुआ जी, श्रद्धे गुरुवर डॉक्टर पाठक जी, श्रद्धे गुरुवर आदरणीय श्रद्धे शुक्ल जी, इन सब लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करके और एक मित्र मंडली जो ब्रजकिशोर जी से शुरू होती है, त्रिपाठी जी आलोक को बहुत पास में बैठाल करके राजीव के कंधे पर हाथ रखते हुए अरविंद पालीवाल का स्मरण करते हुए अंत में राजन के पास जाकर के खड़ी हो जाती है। ये सारे के सारे मित्र छोटे भाई इंदु जैसे रचनाकार और हमारे उभरते हुए नक्षत्र भारती जी से लेकर
प्रीति गीता तक सबसे पुराने छात्रों में एक व्यक्तित्व जिसके उपनाम में प्रकाश का पर्व ज्योतित होता है, ऐसी रजीना शहर और आप सब लोग। आज मैं एक उपकारी जी मुझे सामने दिख रहे हैं, आज मैं उत्कर्ष के ऊपर एक टिप्पणी करता हूँ सबसे पहले, और मुझे एक उर्दू के शायर की पंक्ति याद आती है। मुझे लगता है शायद मैं इससे ज्यादा और कुछ सीडियो साहब महसूस जो कर रहा हूँ आज उसको देख करके, मैं बूढ़ा हो गया, उस उर्दू के शायर ने कहा, मैं बूढ़ा हो गया, मस्जिद भी दूर है घर से, मगर मैं खुश हूं कि दी है अजान बेटे ने। मैं बूढ़ा हो गया, मस्जिद भी दूर है घर से, मगर मैं खुश हूं कि दी है अजान बेटे ने। मैं उसके सामने अब बोलूं भी तो क्या बोलूं कि मुझसे सीख ली मेरी जुबान बेटे ने। तो नई पीढ़ी जब इस तरह से आगे बढ़ती है और उस नई पीढ़ी को संरक्षण देने के लिए सुरेंद्र पांडे जैसे नवीनक आगे बढ़ करके काम करते हैं विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से, भदौरिया साहब जैसे लोग एक आईना बनते हैं कि कैसे इस उम्र में भी उतना ही सक्रिय रहा जा सकता है, पांचाल परिवार को प्रकाशन को श्रद्धेय गुरु जी आशीर्वाद दे चुके हैं। मैं तो सच में आज सबसे कम बोलना चाहता था क्योंकि बहुत कुछ बोला जा चुका है, लेकिन सिंह साहब का आदेश यह है कि मैं बहुत संक्षिप्त में रहूं, इसलिए बहुत विस्तृत नहीं होऊंगा, बहुत संक्षिप्त भी नहीं रहूंगा, लेकिन बहुत ज्यादा बोलने का मन नहीं है। इसलिए मन नहीं है क्योंकि जब हृदय भाव से गदगद होता है तो वाणी उस समय मौन वर्ण करना चाहती है। इस सम्मान के विषय में निश्चित रूप से आप विश्वास मानिए वहां मैं बहुत बोला हूं, पर्याप्त समय तक तमाम सूत्रों की व्याख्या की है, दो चरणों में कार्यक्रम हुआ था, पहले चरण में सम्मान था, दूसरे चरण में कवि सम्मेलन था, और शायद सबसे बड़ा वक्तव्य मेरा ही था और अंत में भी काफी देर तक काव्य पाठ किया था, लेकिन आज यहाँ जैसे कोई बच्चा बाहर से खेल करके आए और इसके बाद बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाला बालक अपनी माँ के आंचल से छिप करके बस चुपचाप लेट जाता है और उसे कुछ बोलने का मन नहीं होता, कुछ ऐसी स्थिति मेरी आज हो रही है। ये जो सम्मान हुआ है उस पर आप लोग क्या महसूस करते हैं, ये मैं महसूस कर सकता हूं, और मैं पंक्तियां कहता हूं, नेह भरी नजरों को अगर हमारी आंखों में दृष्टि में स्नेह होता है, जब वह सारी दुनिया को वात्सल्य से देखते हैं, यहां तमाम सारे के सारे लोग मुझे कुछ खास प्यार भरी नजरों से देखते हैं, वो नजर उस भाव को अर्पित करती है कि नेह भरी नजरों को मरुथल नंदन लगता है और अभिनंदन के अक्षत अर्पित हुए अकिंचन को, अभिनंदन के अक्षत अर्पित हुए अकिंचन को अपनी बगिया का बबूल भी चंदन लगता है। मेरी स्थिति है मेरे अपने घर में, ऐसे सामान्यतः कवि के बारे में कहा जाता है कि वो बाहर अभिनंदनीय होता है, घर में नगर में आते आते उसमें से विशेषण कम होने लगते हैं, बाहर के सड़क पर वो वंदनीय रह जाता है, फिर गली में प्रवेश करता है अभिनंदनीय वंदनीय से निंदनीय बन जाता है, और फिर घर में प्रवेश करता है जहां वो दयनीय बन जाता है। लेकिन मेरा सौभाग्य है कि ऐसा नहीं है मेरे साथ, और मुझे प्रारंभ से लेकर के अंत तक यानी घर से लेकर के बाहर तक सही ढंग से सांसें लेने का मौका मिला है। ये शायद मेरे गुरुजनों की तपस्या का फल है, तो मुझे प्राप्त हो रहा है, श्रद्धेय पाठक जी का मानस चिंतन मेरी विरासत में मिला है, ऐसा मैं मान करके चलता हूं।
यथेशक्ति जिसे मैंने संस्कृत की वर्तनियां सीखी है उसके आशीर्ग तत्व को ध्यान करके गहराई तक सोचने की अध्ययन की करने की कोशिश की है। और श्रद्धेय डॉक्टर धनुदत्त शर्मा इन लोगों में रहे हैं, मुझे कहना चाहिए मेरे कवि के शैशव में उनकी गोद में अपने आप को बड़ा सुरक्षित पाया है और आज तक महसूस करता हूं कि यह समय अपने संरक्षकों के बीच में खड़ा हूं। आप कल्पना करिए कि मैंने अपनी हैसियत से ज्यादा बड़े एक घर में शादी की थी अपनी बेटी की और राजन माहेश्वरी को इस बात का एहसास था कि ऐन मौके पर मुझे बहुत ज्यादा पैसों की आवश्यकता हो सकती है जो कि शायद मैंने सोचा ना हो। और सर मुझे तब पता चला जब मैं विवाह मंडप में बैठा हुआ था लखनऊ में कि राजन ने चुपके से आकर के मेरे कान में कहा कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा किसी भी तरह के पैसे की, 5 लाख रुपए तो मैं लेकर के आया हूँ गाड़ी में, मेरी पत्नी सुरक्षा में बैठी हुई है, कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो आपको संकोच नहीं करना है। किशोर जी हमेशा से साथ रही है, एक संस्कृत का श्लोक मुझे याद आता है, प्रीणाति यह सुचरितम पितरई सपुत्रो, जो अपने अच्छे कार्यों से माता पिता को प्रसन्न करता है वो पुत्र है। सौभाग्य से मुझे ऐसा परिवार मिला और छात्र और पुत्र बराबर ही होते हैं, तो मेरे छात्र मेरी छात्राएं पुरातन से लेकर के अधुनातन तक रेजीना से लेकर के गीता तक एक श्रृंखला है और हाँ अनुपमा को भी पढ़ाया है जो आ गया ढूंढे चुप। तो प्रीणात यह सुचरित ही पितरम सपुत्र, जो अपने अच्छे आचरणों से अपने माता पिता को प्रसन्न करे वो पुत्र और छात्र है। यद धर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रम, जो अपने पति के प्रति सहज स्वभाव से समर्पित प्रेम को जीती रहे वो पत्नी पत्नी कहलाने योग्य है। और तन्मित्र वही सच्चा मित्र है, आपदि तन्मित्र मापदि भूते तन्मित्र मापदि सुखे च समत्रियं यत्, वह मित्र वास्तव में मित्र है जो सुख और दुख में उसी दृढ़ता के साथ साथ खड़ा रहे। लेकिन ऐसा होता कहां है, मिलते कहां है ऐसे लोग, और तीनों लोग इस तरह के मिल जाए ये आश्चर्य की बात है। इसलिए वो रचनाकार आश्वासन देता हुआ कहता है एतत् त्रयम्, ये तीनों लोगों का समूह यानी सही मित्र और छात्र, सही पुत्र परिवार, सही पत्नी, सही परिवेश, अगर ये सब एक साथ उपलब्ध हो जाए एतत् त्रयम् जगति पुण्य कृतो लभन्ते, इनको संसार में पुण्यात्मा प्राप्त करते हैं। मुझे लगता है मेरे कई जन्मों का पुण्य उदित हुआ होगा तब मुझे ऐसे सारे के सारे लोग मिले। लेकिन ऐसा नहीं है कि जीवन में सुखी सुख हो। तीन पंक्तियां सुनाता हूं इसके बाद बात को मिलता हूं। दुख भी बहुत मिला है, मेरे करीब रहे हैं उन्होंने मेरे दुख को भी जाना है। यूं तो इस निष्करण प्रारब्ध ने, यूं केवल तीन पंक्तियां हैं, इस निष्करण प्रारब्ध ने बेशक बहुत तोड़ा मुझे, ऐसे क्षण आए जब मैं बिल्कुल टूट गया। इस निष्करण प्रारब्ध ने बेशक बहुत तोड़ा मुझे, कुछ मित्र हैं जिनके सहित संस्पर्श ने जोड़ा मुझे। इस निष्करण प्रारब्ध ने बेशक बहुत तोड़ा मुझे, कुछ मित्र हैं जिनके सहज संस्पर्श ने जोड़ा मुझे, वो भी तड़प उठे पड़ा जब वक्त का कोड़ा मुझे, वे भी तड़प उठे पड़ा जब वक्त का कोड़ा मुझे, और उनकी उस तड़प ने उनकी उस मित्रता ने मुझे उस कोड़े को सहने में समर्थ बनाया। तो आज ईश्वर की कृपा है जो विभिन्न रूपों में हमारे सामने आती है और उसको सहज रूप में स्वीकार करना। तमाम कविता की पंक्तियां मेरे संदर्भ में कही गई, बहुत सी मेरी कविताओं का उद्धरण दिया गया। आज मैं सीडियो साहब एक कविता सुनाता हूँ आपको, तो मेरा ख्याल है वही मेरे व्यक्तित्व और वक्तित्व की धुरी समझ
जिससे मैंने कवि सम्मेलन की यात्रा प्रारंभ की। उस जमाने में उस समय डॉक्टर साहब ने कुछ पंक्तियां उसकी पढ़ी थी, प्रियकर्ष ने भी थोड़ा सा संदर्भ दिया था। उन पंक्तियों को लेकर के मैं मुंबई की एक संस्था में गया था और अपने आप को बड़ा असहज महसूस कर रहा था, क्योंकि वहां पर जब जाकर के, पहले से मुझे पता नहीं था, लेकिन जब जाकर के लिखा देखा तो लिखा हुआ था ऊपर श्रृंगार संध्या। मेरे पास एक भी श्रृंगार की गोटा नहीं थी, मुझे युवा कवि के रूप में आमंत्रित किया गया था। बाकी सब बड़े बड़े गीतकार, श्रृंगार के सौंदर्य के गीतकार थे। मैं एक अलग किस्म की कविता लिखने वाला था। तब आज से 50 साल पहले लगभग मैं क्या कविता लिख रहा था, आज भी वो कविता किसी न किसी बिंदु पर सार्थक है, इसलिए सुना रहा। उसके बाद ये एक आश्चर्य रहा, वहां के लोगों ने मुझे किस रूप में स्वीकार किया। लेकिन जरा कल्पना करिए कि वो व्यक्ति ईमानदारी के साथ ये कहता है कि मैं आपकी श्रृंगार संध्या के मंच पर खड़ा हुआ हूं, लेकिन मैं आपके समक्ष अपने जीवन के सत्य को गा रहा हूं। मेरे पास उस समय तक मैंने कहा कि श्रृंगार पर लिखने लायक कुछ नहीं, उसके बाद हुआ बहुत कुछ, आप देख ही रहे। आज श्रृंगार अगर नहीं है तो आप एक व्यक्ति को बुलाते, दो लोग सम्मानित हो रहे हैं, तो श्रृंगार तो जीवन में आया है और बड़े सम्मान के साथ आना चाहिए। एक बात आपको बताऊं कि जब हम लोगों की वर्षगांठ हो गई थी शादी की, बच्चे बहुत सारा उपहार लेकर के आए सभी साहब, तो मुझसे कहा कि आपने मम्मी को क्या उपहार दिया। मैंने कहा भाई मैं क्या दे सकता हूँ, मेरे पास पैसे वगैरह तो तुम लोग पहली तनख्वाह से बहुत ज्यादा कमाने लगे, मेरे पास तो अभी ज्यादा नहीं है। लेकिन मैंने दो शेर लिखे। अब आप मेरे पास बैठी हुई पत्नी को देखिएगा, फिर मैं बीच में उस जगह पर आ जाऊंगा यहाँ से मैं शुरू करता हूँ कर रहा था। लेकिन बीच में एक इसको सुंदर विधान माना जाए कि मैं जो पंक्तियां पत्नी के ऊपर पढ़ रहा हूं। मैंने उनसे कहा वो मर्यादा है मंगल सूत्र की, गरिमा है बेबी की, मोहब्बत की रुबाई है चढ़ाई है जगाई है। ये पहला शेर। दूसरे शेर में मुख्य बात है, मैंने कहा तुम लोग अच्छी अच्छी जगह पर खड़े हो गए हो, आज बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है। मेरी पत्नी के बाल सफेद हो चुके हैं, लेकिन ये जो इतने वर्षों का साथ है उसके बाद में ये शेर लिख रहा हूं, इसको स्पष्ट से पढ़ना और तब अपनी माँ को देखना। तो मर्यादा है मंगल सूत्र की, गरिमा है देवी की, मोहब्बत की रुबाई है जुड़ाई ही दुढ़ाई है, और चमक उसके बदन की घट गई खटकर गृहस्थी में। आज सब लोगों ने इस बात को रेखांकित करते हुए मुझे शर्मिंदा करने की असफल चेष्टा की कि मैं घर का कोई कार्य नहीं करता। असफल चेष्टा इसलिए कह रहा हूं कि मैं अभी नहीं कर पाऊंगा। हाँ, तो आप सुनिएगा कि चमक उसके बदन की घट गई खटकर गृहस्थी में, उसी के दम से पूरे घर के चेहरे पे लुढ़ाई है, उसी के दम से पूरे घर के चेहरे पे लुढ़ाई। तो उस समय तो बाद में श्रृंगार की कविताएं लिखी, संयोग की लिखी, वियोग इस दृष्टि से कि वृद्धावस्था का एक श्रृंगार का क्या तत्व तो हो सकता है, वृद्धावस्था में श्रृंगार कैसा हो सकता है, जीवन के वो सारी की सारी पंक्तियां आएंगी बात की बात। तब की बात कहता हूं जब श्रृंगार की कविता नहीं लिखता था, उस समय उस श्रृंगार को सुनने के लिए बैठे हुए विविध व्यक्तियों के समक्ष मैंने अपने जीवन के एक सत्य को रखने की चेष्टा की थी, और उस आक्रोश भरी वाणी से कवि सम्मेलन के मंच का वो सफर प्रारंभ हुआ, जिसमें अभी जब मेरे लिए वहां पर आप इस सारस्वत सम्मानी सम्मान को आप इस दृष्टि से देखिए कैसे जुड़ता है। उस समय जब मेरा नाम बुलाया जा रहा था और मंत्री महोदया जो वहां की संस्कृति मंत्री है मेरे लिए शाल लेकर के आगे बढ़ रही थी, उससे उन्होंने मुझसे एक मिनट रुकने के लिए कहा, क्योंकि तो फरखाबाद से आदरणीय राजेंद्र पैसिया साहब का फोन पहुंचा था कि मैं आपको इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। तो उस कार्यक्रम के आमंत्रण का जब मुझे उस स्टेज पर उस समय मिला जब मुझे आमंत्रण के लिए बुलाया जा रहा था,
तो ये सम्मान उस समय भी निश्चित हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे मंगल कलश के ऊपर ज्योति दीप रखा जा रहा हो। ये अद्भुत बात है। उनको भी पता नहीं था कि इस समय क्या हो रहा होगा, मुझे भी पता नहीं था कि इस समय कहां से फोन आएगा। और मैं पैसे जिसे एक दो मिनट पहले बात किया और सारा का सारा मंच शाल इत्यादि लेकर के सम्मान पत्र लेकर के मेरी प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि मैं अपने प्रिय मित्र अनुज कहना चाहिए जिस दिन से मिले हैं उन्होंने महसूस कराया है कि एक बड़ा अधिकारी कितनी विनम्रता के साथ एक साहित्यकार को अपना वो सम्मान देता है जिसके कि वो योग्य है और जिस सम्मान को देकर के वो उस सम्मान देने वाले के होने के कारण बड़ा बन जाता है। तो वो कविता सुना रहा हूं मैं आपको। मैंने कहा गीत मैं लिखता नहीं हूं मान के व्यवहार के आवेग में अभिसार के, लिखनी जब भी उठाता हूं मुझे पाजेब की रुझुन सुनाई ही नहीं देती। लिखनी जब भी उठाता हूं मुझे पाजेब की रुझुन सुनाई ही नहीं देती। अचानक नाग धनियों पर गिरे मासूम सपनों का कर्म क्रंदन मेरे एहसास के नजदीक आता है। अचानक नाग धनियों पर गिरे मासूम सपनों का करुण क्रंदन मेरे एहसास के नजदीक आता है। सत्य कहता हूं मेरी सौगंध मुझको भूख से व्याकुल बिलखती जिंदगी की तड़प का बदहोश लम्हा खोजता जब डस्टबिन में तृप्ति के टुकड़े मुझे करुणा नहीं तब क्रोध आता है। सत्य कहता हूं मेरी सौगंध मुझको भूख से व्याकुल बिलखती जिंदगी की तड़प का बदहोश लम्हा खोजता जब डस्टबिन में तृप्ति के टुकड़े मुझे करुणा नहीं तब क्रोध आता है। बारिश में रखे हुए सब पाठ्य ग्रंथों को उठाकर फाड़ देता हूं मैं अजाने ही अवश्य आवेश की उन्मत्तता को प्राप्त होता हूं। हां यही पीड़ा यही क्रंदन बिठाना शब्द में कर्तव्य है मेरा, सहज स्वीकृत स्वयं दायित्व है मेरा। इसलिए अल्फाज में मेरे बेअदब अंदाज में मेरे जहू की मैरीन ड्राइव की खिलखिलाती मस्तियां बस्ती नहीं है। अंधेरी तंग गलियों में इन्हीं मासूम कलियों के अछूते जिस्म की मजबूरियों के घृणित सौदे का छिपा इतिहास होता है। इसलिए अल्फाज में मेरे बेअदब अंदाज में मेरे जुहू की मैरीन ड्राइव की खिलखिलाती मस्तियां बस्ती नहीं है। अंधेरी तंग गलियों में कहीं मासूम कलियों के अछूते जिस्म की मजबूरियों के घृणित सौदे का छुपा इतिहास होता है। पर स्वर मेरा स्वीकार कर सकते नहीं है ये व्यवस्था, क्योंकि मेरी हरकतों से शुभ्र वस्त्रों से ढकी बदसूरती के राज का हरेक पर्दाफाश होता है। स्वर मेरा स्वीकार कर सकती नहीं है ये व्यवस्था, क्योंकि मेरी हरकतों से शुभ्र वस्त्रों से ढकी बदसूरती के राज का हर एक पर्दा पाश होता है। और शब्द मेरा वक्त की निश्वास होता है, शब्द मेरा वक्त की निश्वास होता है। तो यहां से एक यात्रा शुरू होती है और यात्रा अभी मुझे एक अनुबंध प्राप्त हुआ जब मैं वहीं पर था भोपाल में, बहुत बड़े संपादक हैं उन्होंने तो मुझसे पास आकर के कहा और बकायदा लिखित अनुबंध लिया अगले महीने से यानी इसी सत्र से। मैं 50 वर्ष की जो बड़ी जीवन यात्रा रही है मंच पर उसके अनुभवों को लेते हुए पूरे के पूरे हिंदी संसार के वाचिक कविता के परिदृश्य के ऊपर एक नजर डालू और उनकी कविता उनकी पत्रिका के लिए एक नियमित स्तंभ लिखू जिसकी वो घोषणा करने वाले थे, तो मेरी अनुमति लेकर के वो घोषणा कर रहे। तो मुझे उस सारा का सारा परिदृश्य याद आता है। लखनाद ने सौभाग्य से जब से शिवामिया मेले का प्रारंभ हुआ और उसको कवि सम्मेलन जुड़ा उससे कहीं ना कहीं मेरी संयुक्त रही। आज भी आप सब लोगों का आग्रह स्नेह मुझे महसूस कराता है कि मैं फरुखाबाद के प्रतिनिधि के रूप में कहीं भी जाकर अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करता हूँ। एक छोटी सी घटना सुनाकर अपनी बात को ग्राम की तरफ ले जाऊंगा।
जिंदगी में एक बार मेरी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से भेंट हुई। उस समय वो प्रधानमंत्री नहीं थे, विपक्ष के नेता थे। मैं दिल्ली पहली बार गया था। कवि सम्मेलन का मंच था, गोविंद व्यास जी संचालन कर रहे थे। जो चक्र था बैठाने का, उसमें कुछ ऐसा हुआ कि अटल जी और हम साथ साथ बैठे थे, हमारे बाद अध्यक्ष महोदय थे। सब लोगों को पत्रिका बांटी गई, क्योंकि कवि सम्मेलन की पत्रिका छपी थी। अटल जी ने पत्रिका को पलटते हुए मेरी कविता कभी तो रुक गए, मेरा चित्र था उस पर, मुझे गौर से देखा, फिर कविता पढ़ी और फिर कान के पास मुंह लगा करके बोले, आप राजनीति के ऊपर बड़ा कठोर प्रहार करते हैं। फिर उनकी अपनी अदा थी बोलने की, और इसके बाद ढंग से बोले, मुखाबाद से आ रहे हैं आप, वो तो अपराध बहुल क्षेत्र है, वहां रह करके आप साहित्य साधना कर रहे हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। बात खत्म हो गई। इसके बाद मुझे कालपात के लिए बुलाया गया। उन्होंने कहा, जीवन में आज पहली बार मेरी श्री अटल बिहारी वाजपेयी से भेंट हुई है, बचपन से उनको बोलते हुए सुना है और ऐसे बहुत प्रभावित हूं, लेकिन आज संयोग देखिए कि अटल जी ने मेरे शहर के व्यक्तित्व के ऊपर टिप्पणी की विनोद भरी मुद्रा में। तो कविता पढ़ने से पहले मैं बड़े आदर के साथ उस टिप्पणी के पार छूकर उसकी बगल में टिप्पणी रखने देता हूँ। उन्होंने कहा कि फर्रुखाबाद एक अपराध बहुल क्षेत्र है, आप वहां रहकर के साहित्य साधना कर रहे हैं, ये बड़े संतोष की बात है। उन्होंने कहा, लेकिन फर्रुखाबाद में हम महादेवी जी का नाम लेकर के कहा करते हैं कि महादेवी जी का जन्म फर्रुखाबाद में हुआ है, इसलिए फर्रुखाबाद एक साहित्यिक तीर्थ भी है। मैं तो ये सोचता हूं कि संसद जैसे अपराध बहुल क्षेत्र में रहकर के अटल बिहारी वाजपेयी जी साहित्य की साधना कर रहे हैं, बड़े आश्चर्य की बात है। और इस बात को सुनकर अटल जी का ठहाका सबसे जोरदार था, और बाद में मेरे साथ चाय पीते हुए जब हम लोग खड़े हुए, बोले, आपने जो बात कही है उसे मैं याद रखूंगा। तो मैंने कहा कि हाँ, इसको याद रखूंगा, और हम आपसे ये अपेक्षा करते हैं इस अपराध बहुल क्षेत्र में आप कीचड़ में कमल की तरह मुनीत करें, फिर और बातें। तो अब मैंने जीवन के विविध स्तरों को देखा है, कविता की पंक्तियों में सब कुछ ध्वनित हुआ है। आज जब जीवन के इन अवकाश के क्षणों को जी रहा हूं, अवकाश इसलिए सेवानिवृत्ति के बाद ये जो अवकाश है, ये बहुत बहुत पवित्र होता है, क्योंकि शायद मैंने पिछले 10 वर्षों में जितनी पुस्तकों का प्रकाशन हुआ, जितने साहित्य की सृष्टि हुई, वो इतने वर्षों में नहीं हो पाया। रचनाएं तो होती रही, लेकिन प्रकाशन नहीं हो पाया, इतना की इधर हुआ। तो आज की ये 4 पंक्तियां सुनाकर मुझे अपनी बात को विराम देने की अनुमति दीजिए। हमें उस व्यक्ति का धन्यवाद क्या है, तो संपूर्ण धन्यवाद देते हैं मुझको सहसा। राजेंद्र शब्द अचानक चित्त में आ रहा है। व्यक्तित्व कम होते ही अपने शब्द को, अपने नाम को जी सके। महाकवि कालिदास ने इस शब्द की व्याख्या की। उन्होंने कहा कि चंद्रमा को चंद्रमा क्यों कहते हैं, यथा प्रह्लादनात् चंद्र, चंद्रमा में आह्लाद प्रदान करने की शक्ति है, इसलिए उसका चंद्र नाम सार्थक है। यथा प्रह्लादनात् चंद्र प्रतापात् तपनो यथा, सूर्य में ताप देने की शक्ति है, इसलिए उसका तपन नाम सार्थक है। तथा ही वसो, उन्होंने महाराज दिलीप के लिए कहा था, किसी तरह से वो महाराज दिलीप भूत अनवर्थ है। तथा ही वसो भूत अनवर्थ है, वो दिलीप राजा का नाम सार्थक करने वाला हुआ, राजा शब्द दिलीप से जुड़ करके सार्थक हुआ। तथा ही वसो भूत अनवर्थ है, राजा प्रकृति रंजना, क्योंकि राजा का अर्थ होता है प्रजा का रंजन करने वाला, कल्याण करने वाला, उसके सुख दुख में साथ रहने वाला। तो दिलीप राजा का शब्द सार्थक करने वाला हुआ, मुझे प्रसन्नता है कि फर्रुखाबाद को राजा ने राजेंद्र प्राप्त हुआ। तो मैं राजेंद्र जी को बुलाऊं, प्रकृति रंजन उनके व्यक्तित्व की सहज विशेषता है,
इससे पहले वो दो शेर सुन लीजिए जो आज तक मैं झेला हूं। ज़ईफ़ी रानी वृद्धावस्था को कहते हैं, ज़ईफ़ी फारसी का शब्द है वृद्धावस्था। मेरी ज़ईफ़ी ने तोहफा दिया है ये मुझको, आज तो आप लोगों ने बहुत सारे तोहफे दिए, बहुत सारे भेंट उनको घर में रखकर, तो इतना बड़ा चित्र दिया अभी हमारे सुशील ने सुनील ने, आप उन सबके लिए जगह देखनी है। मेरी ज़ईफ़ी ने तोहफा दिया है ये मुझको, ज़हन को याद किसी की खता नहीं रहती। मम्मी कह रहे थे कि हम भूलने लगे हैं, रबिया कहते हैं कि हम भूलने लगे हैं, ये बात हम ईश्वर के वरदान के रूप में मानते हैं, क्योंकि अब भूलते हैं तो किसी की गलती भी तो याद नहीं रहती। कोई इंसान को फरिश्ता बना दे तो ये भी गलती की सीमा में आता है। आदमी फरिश्ता इंसान बन जाए तो ठीक है, लेकिन अगर आदमी जबरदस्ती फरिश्ता बन जाए तो कुछ तो गलत है। हाँ, तो वो कह रहा था कि मेरी ज़ईफ़ी ने तोहफा दिया है ये मुझको, ज़हन को याद किसी की खता नहीं रहती, और सफर में साथ मेरे चलती है भगवत गीता, किसी हकीम की मुट्ठी दवा नहीं रहती, किसी हकीम की मुट्ठी में दवा नहीं रहती। तो ये पंक्तियों के साथ मैं अब उत्कर्ष को क्या करूं, अपने भविष्य को बुला रहा हूं। ये है रंग, यहाँ पर आप नहीं आए हैं, साहित्य के प्रति दिव्यता की भावना आई है। तो यां तु देव गणाः सर्वे पूजाम आदाय माम की, ये जो हमने आज पूजा की है इसको ग्रहण करके अब देवता लोग अपनी देवताओं के साथ प्रस्थान करें अपने घर। लेकिन एक शर्त, यां तु देव गणाः सर्वे पूजाम आदाय माम की सर्वेष्ट काम सिद्ध्यर्थम, यहाँ जो प्रार्थनाएं की गई हैं, यहाँ जो आकांक्षाएं व्यक्त की गई हैं, उनको पूरा करने के लिए आप जाएं और पुनरागमनाय च, दोबारा लौटने के लिए जाएं। जो लोग समय का नाग नाचते हैं उन्होंने अपने समय को नाचा है, जो लोग समय का नाग नाचते हैं वृंदावन उनके पीछे चलता है, गोवर्धन धारण करने वाले का सारा गोकुल अभिनंदन करता है। गोवर्धन धारण करने वाले का सारा गोकुल अभिनंदन करता है। चंदनी गीत की रचना के पहले जो लोग लहू में लपट मिलाते हैं, आखिर उनके लोहित हस्ताक्षर ही नवयुग को परिचय पत्र दिलाते हैं। हृदय सिद्धांतों को दोहराने से कब वसुंधरा का रूप संवरता है, आदर्श आचरण में जब ढलते हैं तब कोई ऐसा व्यक्ति उभरता है, तब कोई ऐसा व्यक्ति उभरता है। तो आज ये सम्मान करके हम खुद आह्लादित हैं, और अब मुझे आप सबके सीडीओ साहब को बुलाना है और अपने बड़े भाई को बुलाना है। इसलिए कह रहा हूं ये बात क्योंकि मैं जब इस कार्यक्रम को उन्होंने पूछ लिया मुझसे कि कैसे क्या होना है, मैं भी बहुत परेशानी में था, तो उन्होंने कहा कि परेशान किस बात के लिए तुम हो रहे हो, मैंने तुम्हें पहले दिन से अपना छोटा भाई माना है, बड़े भाई को तुम अपना दुख नहीं बांट सकते, तो फिर मेरा यहाँ होना सार्थक कैसे होगा, बताओ। मैं तुम्हें अपना छोटा भाई मानता हूँ, अपने बड़े भाई को ये बात की बोलो, तो मैं उनको अब बड़े भाई के तौर से बुला रहा हूँ और पंक्तियां आपको समर्पित करता हूँ। अनुमति दीजिए सर बड़े भाई के रूप में। हृदय के तल सुतल से बही आती सी बधाई हो, हृदय के तल सुतल से बही आती सी बधाई हो, तुम्हारी शख्सियत या प्रकृति ने कविता सुनाई हो। हृदय के तल सुतल से बही आती सी बधाई हो, तुम्हारी शख्सियत या प्रकृति ने कविता सुनाई हो, कहूं इसके सिवा क्या, बस यही है प्रार्थना प्रभु से, हमारे भाई सा सबके निकट राजो में भाई हो, हमारे भाई सा निकट सबके निकट राजो में भाई हो। हमारे परम आदरणीय फरुखाबाद की धरोहर, और मैं तो इनको राष्ट्रीय कवि के रूप में मानूंगा, क्योंकि राजस्थान में जब भी मैं बात करता हूं कि मेरा पद स्थापन फरुखाबाद में है,
तो वो एक ही बात कहते हैं कि क्या आप डॉक्टर शिवम अंबर जी को जानते हैं? मैंने कहा जानता हूं, मानता हूं, पहचानता हूं और सदैव आशीर्वाद भी रहता है मजले भाई के रूप में, क्योंकि एक अग्रज है और एक अनुज है, तुम्हें मजला है। तो आज जो राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान मध्य प्रदेश शासन की ओर से डॉक्टर शिवम अंबर जी को दिया गया है, उसके लिए हमारे पूरे जनपद की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से और विशेष रूप से जो यहाँ सभी हमारे अग्रज जी हैं, अनुज तो एक तो हैं, अग्रज हमारे साहित्यकार, विद्वान, बुद्धिजीवी जो भगिनी और बंधु बैठे हैं, और अनुजों की तरफ से भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं और बधाई। आज जब बात डॉक्टर शिवम अंबर जी के बारे में हो रही है तो मैं इन्हीं के साथ जुड़े हुए जितने भी प्रसंग मेरे साथ हुए वो मैं सुनाना चाहूंगा। कविता सदैव से किसी न किसी रूप में मेरे हृदय के कोने में रही, किंतु एक कविता लिखी 2009 में, दूसरी लिखी 2011 में, तीसरी लिखी 2015 में, और 2015 के बाद हर वर्ष 4-5 कविताएं लिख लेती, क्योंकि समय अभाव रहता है, व्यस्तताएं रहती है तो लिख नहीं पाता। किंतु फरुखाबाद में आने के बाद जितनी कविताएं लिखी उतनी आज तक नहीं लिखी। मिट्टी का असर है, यहाँ की मिट्टी का असर है, महादेवी जी के अंतस का असर है और डॉक्टर शिवम अंबर जी के आशीर्वाद का, इनकी प्रेरणा का असर है और यहाँ के सभी साहित्य साधकों का आशीर्वाद भी है मेरे पर कि मैं निरंतर कविताएं लिखता हूं। आपको मैं एक और बात बताना चाहूंगा जिसके विषय में शायद आपको संज्ञान में न हो, मैं एक तरह से शिष्य के रूप में भी डॉक्टर शिवम अंबर साहब के पास जाता रहता हूं। जब भी सनातन धर्म के ऊपर, मानस पर, गीता जी पर कोई चर्चा करनी होती है या मेरा मन में कोई अंतर्विरोध होता है या मेरे अंदर स्पष्टताएं कम होती हैं या मैं उनकी और व्याख्या चाहता हूं, तो मेरे जो बड़े भाई साहब के रूप में हैं डॉक्टर शिवम जी, वो सदैव मुझे आशीर्वाद देते हैं और हम एक आध घंटे नहीं, 2-3-4 घंटे लगातार चर्चाएं करते हैं और उत्कर्ष भी उसमें सहयोग करता है। और जो मैडम है, मैं इनको ऐसे बहन जी कहता हूं क्योंकि मेरी आदत है भाई साहब भाभी जी कहने की आदत नहीं, मेरी आदत है भाई साहब और बहन जी कहने की, क्योंकि मेरा मानना है कि सनातनी संस्कृति में, हालांकि जो बड़े भाई की पत्नी है उनको तो भाभी जी कहते हैं, लेकिन जब छोटे भाई की बात आती है, जो परंपरा वर्तमान में समाप्त होती जा रही है, उनकी पत्नी को जो भाभी जी कहने का प्रचलन समाप्त हो गया था, उसको मैं धीरे धीरे अपने माध्यम से परिवर्तित कर रहा हूं। इसीलिए चाहे बड़ा हो या छोटा हो, मैं भाई साहब और बहन जी कहता हूं, भाभी जी शब्द का प्रयोग नहीं करता। तो जब इनके पास जाता हूं तो सनातन धर्म के ऊपर काफी मैंने चर्चाएं की, क्योंकि मैं जब अध्ययन कर रहा था, पहले मैंने मानस का अध्ययन यानी बचपन से ही कर रहा हूं, हमारे घर में हर मंगलवार, आज तक कोई ऐसा मंगलवार नहीं गया जिस दिन सुंदरकांड का पाठ हमारे घर में न हुआ, जिस दिन गीता जी का वाचन न हुआ हो, जिस दिन मानस का पाठ न हुआ हो, और सेश्वर वाचन पर, सेश्वर वाचन जो आरंभ किया मैंने, मैं पहले सीधा पढ़ता था तेजी से क्योंकि व्यस्तताएं होती थी, किंतु पता नहीं यहां से कैसे मेरे अंदर प्रेरणा आई शिवम अंबर जी को देख करके कि अब मैं सेश्वर वाचन किया करूंगा, चाहे एक दोहे से लेकर दूसरे दोहे तक 4-5 चौपाई हो, लेकिन करूंगा सेश्वर वाचन ही। पहले मैं 2-3 पेज अध्ययन करने का प्रयास करता था, पढ़ने का प्रयास करता था, किंतु मैं थोड़ा पढ़ता हूं किंतु सेश्वर वाचन करता हूं, इसमें आपकी बहुत बड़ी प्रेरणा है। एक और संकल्प इस वर्ष मैंने लिया कि गीता जी हम वर्षों से पढ़ रहे हैं किंतु गीता जी याद नहीं हो रही थी, क्योंकि थोड़ी संस्कृत क्लिष्ट है और वैसे संस्कृत के बारे में कहते हैं कि इतनी सरल और मधुर भाषा भी कोई नहीं, बस बात यह है कि जो संस्कृत को समझ जाए और उसका अन्वय बनाना सीख ले तो संस्कृत बहुत सरल हो जाती है। तो इस वर्ष मैंने संकल्प लिया, उस संकल्प को
मैंने अपनी बेटी के माध्यम से, मेरे भतीजे के माध्यम से और मेरे भांजे के माध्यम से पूरा किया, और आपको एक हर्ष और प्रसन्नता सभी को होगी मैं बताना चाहूंगा कि इन तीनों बच्चों को गीता जी का मात्र 24 दिन में प्रथम अध्याय कंठस्थ हो गया। और इस बार पहली बार मेरी बेटी ने, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 तारीख को था, उस दिन मात्र 3 मिनट और 4 सेकंड में 23 गीता जी के श्लोकों का सस्वर वाचन किया मंच पर, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और इसमें मुझे भी बहुत शुभ लाभ हो रहा है क्योंकि मैं उठते ही पहले जो उस गीता दैनंदिनी में प्रतिदिन के श्लोक होते हैं, तो पहला अध्याय में 47 श्लोक हैं और 24 दिन में वो समाप्त होते हैं, पूर्ण होते हैं, समाप्त नहीं पूर्ण होते हैं। तो मैं भी प्रतिदिन अध्ययन करता हूं तो मुझे नई नई बातों का पता लगता है। तो एक तो गीता जी की बात मैं आपको बताना चाहूंगा जो मुझे अभी पता चला, मेरे इतनी व्याख्या मैंने नहीं पढ़ी हुई थी, इसीलिए मैंने ओशो की व्याख्या भी मंगाई। ओशो मैं सबसे बड़े टीचर के रूप में मानता हूँ, सबसे बड़े शिक्षक के रूप में मानता हूँ, चाहे उनकी बातों में अंतर विरोध किसी को लगे, किंतु अच्छी अच्छी चीजें हमें ग्रहण कर लेनी चाहिए, जो खराब लगे उसे छोड़ दीजिए। और इसके साथ साथ ही मैंने कई जो गीता जी है वो मंगाई ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा व्याख्याएं पढ़ूं। तो पहली चीज मैंने सीखी कि यदि आप कहीं पर भी भेदभाव करेंगे और आप में थोड़ा सा भी अंतर विरोध होगा तो आपको वहीं पर त्याग दिया जाएगा। तो धृतराष्ट्र को पूरी गीता जी में केवल एक श्लोक इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने बोला माम कहा पांडवाश्चे, कि मेरे और पांडु के पुत्रों में जैसे ही भेदभाव किया तो संजय को जो दिख रहा था, तो भगवान कृष्ण को हो या अर्जुन को कहो या वेदव्यास जी को कहो, उनको पता चल गया कि ये आदमी को आगे नहीं चल सकता क्योंकि ये शुरू से ही भेदभाव की रणनीति पर चल रहा है। तो इसलिए उनको मात्र एक श्लोक दिया गया और वहीं पर विराम दे दिया गया। तो इसी के साथ मैं शिवम अंबर जी को जोड़ना चाहूंगा कि शिवम अंबर जी सबको साथ लेके चलते हैं, बहुत ही विनीत विनम्र भाव से और अहम से कोसों दूर रहते हैं, सभी को पर्याप्त समय देते हैं और जो आशीर्वाद अपने शब्दों के माध्यम से, लेखनी के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, जो माँ सरस्वती सदैव इनके जीवा पर विराजमान रहते हैं उनके माध्यम से सदैव देते रहते हैं, इसलिए उनकी जो यात्रा है वो आज से 50 वर्षों पूर्व जो आरंभ हुई वो आज भी जारी है, जो बाहर मंचों पर भी वंदनीय है और यहाँ भी अभिनंदनीय है दोनों जगह। दूसरी बात, एक और मैंने गीता जी से अभी सीखी, जब पहले अध्याय से दूसरे अध्याय में हमने प्रवेश किया तो मैंने सोचा कि पहले अध्याय में भगवान कृष्ण बोल क्यों नहीं है, मुझे पहले भी पता था लेकिन समझ अभी आया। उन्होंने कहा कि पहले अर्जुन को बोलने दिया, जब किसी को भी क्रोध आए तो उसको खूब बोलने दो, जितना बोल सकता है बोल लेने दो, यानी अपना उबाल अपना उष्णता सारी बाहर आने दो। और उसके आने के बाद दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक से श्री भगवान उवाच आता है और तब भगवान कृष्ण बोलना आरंभ करते हैं, और जैसे ही बोलते हैं तो तुरंत आदेश करते हैं कि तुम अब ये करो। इसका मतलब जो उष्णता जो गर्मी जो क्रोध उसके अंदर शेष रह गया है वो दोबारा और निकाल दो, थोड़ा और गुस्सा दिलाओ उसे। तो अर्जुन को दोबारा फिर क्रोध दिलाया भगवान कृष्ण ने, और जब सारा उबाल निकल गया तब दूसरा अध्याय भगवान कृष्ण के द्वारा कहा गया, जिसे पूरी गीता जी का गीता सार भी कहते हैं, जिसको सांख्य सिद्धांत भी कहते हैं, सांख्य योग भी कहते हैं और योगाभ्यास भी कहते हैं। ये चीज मैंने सीखी और इसी तरह से मैंने इनके माध्यम से सीखा कि ये अपनी वाणी के माध्यम से अपनी लेखनी के माध्यम से सारा का सारा उबाल बाहर डाल के आ जाते हैं, इसीलिए घर में इतने प्रेम से रहते हैं कि इनको अच्छे अच्छे पकवान और व्यंजन मिलते हैं, और उन पकवानों और व्यंजनों को मैंने बहुत चखा है। हर आधे घंटे एक घंटे जितनी देर बैठते हैं उतनी देर में नई नई जो खाद्य सामग्री है, जो व्यंजन है, पकवान है, वो बहन जी के माध्यम से मेरे पास आते रहते हैं, तो मैं भी लुत्फ उठाता रहता हूँ, आनंद लेता रहता हूँ। एक और जब मेरी इनसे वार्ता हुई तो इन्होंने कहा था कि, मैंने कहा आप अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखते, तो इन्होंने कहा था मैंने शीर्षक तो सोच रखा है। मैंने कहा क्या सोच रखा है, इन्होंने कहा संयोगवश सौभाग्यवश।
तो मैंने कहा यही मेरे साथ हुआ था जीवन में, तो मैंने भी फिर सोचा कि मैंने कहा आप चाहे लिखें या नहीं लिखें, लेकिन मैं अपना मेरी कहानी का शीर्षक आज मुझे मिल गया, और मैं कभी भी चाहे मैं आत्मकथा लिखूं या बायोग्राफी लिखी जाए, क्योंकि मेरी बेटी की इच्छा है कि मैं आपके बारे में कुछ लिखूं, उसने पहले ही ले रखा है कि आप नहीं लिखेंगे, आपके विषय में केवल मैं लिखूंगी। तो मैंने लिखा, मैंने भी मेरा शीर्षक चुन लिया है, संयोगवश सौभाग्यवश मास्टर से कलेक्टर। मैंने कुछ ऐड कर दिया। तो इनके पास जाता हूं तो ज्ञान की कुछ बूंदे मैं भी ग्रहण करता रहता हूं, क्योंकि सिंधु से कुछ वाष्प बन के उड़ जाए और बारिश के रूप में वर्षा के रूप में कुछ आ जाए तो सिंधु को पता ही नहीं लगता और बाद में वो सब सिंधु में ही समा जाता है। एक और जो घटनाक्रम मेरे को विशेष रूप से उत्कर्ष के साथ याद आता है, मैं साहित्य प्रेमी हूं, राजस्थान की धरा से आया हुआ हूं, विशेष रूप से श्रीगंगानगर में, लेकिन हमारे क्षेत्र के साथ एक विडंबना रही कि वहां पर ये वातावरण नहीं मिलता जो उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए संजीवनी बूटी के रूप में। घर में गीत संगीत प्रार्थनाएं हमारे घर के अलावा हमारे आसपास कोई भी नहीं करता था। गीत संगीत प्रार्थनाएं हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि 5 धर्म ग्रंथ मूल, हमारी चर्चा हुई थी आपको पता है, तो हमने जो आपस में चर्चा से जो चर्चा मृत निकला उसके विषय में बताना चाहूंगा कि यदि किसी को भी भारतीय धर्म या सनातन धर्म का या हिंदू धर्म का अध्ययन करना हो तो 5 ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। एक वेद की बात हुई थी, दूसरी गीता जी की बात हुई थी, तीसरा मानस की बात हुई थी, और चौथा ब्रह्मसूत्र, और पांचवा ईशावासी उपनिषद। तो इन 5 का अध्ययन करना चाहिए। यदि इन 5 का अध्ययन कर लिया तो समझ लीजिए आपने पूरे सनातन धर्म का अध्ययन कर लिया। तो यहां आकर के मैंने कम से कम ये सीखा कि जो साहित्य की साधना करने वाले उनका सम्मान किया जाना चाहिए, और जो सबसे शुरुआती चरण में है जिनको अभी अपने आप को स्थापित करना है उसका सम्मान सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो वैसे मुझे इस मंच पे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एक दिन उत्कर्ष ने मेरे को कहा कि मेरे परिवार वाले ये सोचते हैं कि कहीं सर तुम्हारा अपहरण तो नहीं कर रहे। वो अपहरण नहीं, मैं केवल सम्मान करता हूं। मेरे को लगता है कि अभी सबसे छोटा है उत्कर्ष, जितने भी साहित्यकार या कवि यहाँ पे हैं उनमें। यदि मैं इसमें थोड़ी सी भी सहायता कर सकूं, एक गिलहरी सा कार्य कर सकूं, तो शायद थोड़ा बड़ा मंच मिले, और भविष्य में जब कभी किसी मंच के ऊपर उत्कर्ष बोले तो मेरा नाम भी कभी बोले कि मेरे बड़े भाई थे तो उन्होंने इस तरह से मेरा वहां सम्मान रखा था। तो मैं समय समय पर उत्कर्ष को याद करता रहता हूं, और उत्कर्ष भी मेरे आवास पे आता रहता है, और मैंने इसको 2-3 चीजें कह रखी है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ये लज्जा शर्म महसूस करता रहता है मेरे से सदैव। पहली बात ये कह रखी है कि कोई भी कार्य हो फरुखाबाद में निश्चिंत होकर मुझे बता दिया करो, चाहे सार्वजनिक हो चाहे व्यक्तिगत हो चाहे कोई अन्य कार्य हो। और दूसरी बात ये कह रखी है किसी तरह का कोई कार्यक्रम कराना हो, गोष्ठी कराना हो, तो पूछा मत करो, बस ये कहो कि मुझे करवाना है और मेरे को आना है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि यदि नई प्रतिभा को कोई मंच मिल जाए, जैसे डॉक्टर शिवम अंबर साहब को मुंबई में मंच मिला, चाहे वो श्रृंगार संध्या थी, किंतु उन्होंने उसे वीर रस में बदल दिया था। वीर रस की कविता थी, अंगार रस की थी, हाँ अंगार रस की कविता थी। तो उस अंगार रस की कविता से पूरे देश में इनको स्थान मिला, और फिर धीरे धीरे अंबर के रूप में पूरे देश में स्थापित हो गए। तो मैं चाहता हूं कि उत्कर्ष भी एक पूरे देश में उत्कर्ष एक स्थान हासिल करे, इसमें मैं किसी प्रकार का योगदान दे सकूं। एक अंतिम अनुरोध मैं करूंगा बीके शर्मा जी से कि एक बार सुंदरकांड हमारे आवास में अवश्य करें, क्योंकि श्री राम दूतम नाम से मैंने वहां पे मंदिर की स्थापना की है, जिसमें राधा कृष्ण जी भी हैं, पूरा राम परिवार है, हनुमान जी भी हैं, भारत माता भी हैं, और दुर्गा मैया भी हैं, और इसके साथ साथ माँ सरस्वती और पूरा शिव परिवार है। तो आप सभी से अनुरोध रहेगा जब कभी भी इच्छा हो आप एक बार आवास पे आए और दर्शन करके जाए। और मैं उत्कर्ष को इसलिए साधुवाद देना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा कि बड़े लंबे समय से इच्छा थी कि एक सभी हमारे जितने भी साहित्यकार हैं, जितने भी कवि हैं,
यहाँ के विद्वान हैं उनके साथ एक चाय पे चर्चा के रूप में एक छोटी बैठक की जाए, किंतु उत्कर्ष ने इतने बड़े सम्मान के साथ ये साथ में एक चाय पे चर्चा भी हो गई और डॉक्टर शिवम अंबर जी का सम्मान करना, मतलब हमने अपना सम्मान किया है, इससे सम्मान का सम्मान बढ़ा है और आपको एक बार फिर जो सम्मान मिला उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और मैं ये चाहूंगा कि इसी तरह से मुझे मजले भाई के रूप में प्रेम देते रहे और दीदी कहूं, बहन जी कहूं, इनका भी आशीर्वाद सदैव मुझे मिलता रहे, क्योंकि दोनों लोग मेरे पापा से भी आयु में ज्यादा बड़े। मेरे पापा की आयु 57 वर्ष है तो डॉक्टर शिवम साहब लगभग 70 के आसपास हैं, तो मेरे पापा से भी बड़े हैं, तो मेरे दादाजी के आसपास के हैं। तो मैं एक अंतिम अनुरोध करूंगा कि आप मुझे सर कहना बंद करें। मैंने कई बार बोला भी लेकिन क्या करूं, ये मानते नहीं है, क्योंकि मैं बहुत छोटा हूं आपसे और एक तरह से जब बात भी करता हूं तो एक शिष्य के रूप में बात करता हूं, एक विद्यार्थी के रूप में बात करता हूं, सीखने के भाव के रूप में बात करता हूं, तो आप मेरे को नाम से बुलाएंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। एक बार फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, बधाइयां और सारस्वत नगरी सम्मान, नागरिक सम्मान जो आपको मिला, इसी तरह के सम्मान आपको मिलते रहे। आप सदैव स्वस्थ रहें, शतायु रहें, दीर्घायु रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।